कहाँ जा रही हो जानेवन? मैं बस पास में। और तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो यही रहूँगा। कितने साल से? ये कोई 4-5 साल से मैं यही रहता हूँ। 4-5? लड़की छेड़ने का काम है तुम्हारा? यस। तो ऑन एवरेज कितनी लड़की छेड़ लेते? यही कोई 7-8 छेड़ लेता हूँ बस। नहीं मतलब दिन का देखा जाए तो 20-25 लड़कियाँ तो छेड़ ही लेता हूँ। लड़की छेड़ने में मजा आता होगा ना? तभी तो करता हूँ। इनकम कितनी हो जाती है? इनकम मतलब कुछ काम करते हैं तो पैसे कमाने के लिए करते हैं ना। तुम कितना कमा लेते हो? कुछ भी नहीं। तो ये तुम्हारा पक्का पैशन होगा, तुम्हें अंदर से खुशी मिलती होगी। नहीं। अच्छा ये काम तुम 5-6 साल से कर रहे हो, कोई लड़की तो पटी गई होगी? नहीं। 5-6 साल में एक लड़की भी नहीं पटा पाए? नहीं। इज्जत तुम्हारी कोई नहीं करता, लड़की तुम नहीं पटा पाए, ये काम कर क्यों रहे हो? अच्छा एक और बात बताओ, कहीं तुम्हारे माँ बाप ने ये सपना तो नहीं देखा था कि हमारा बेटा लड़की छेड़ने में डिग्री हासिल करे? नहीं। तुम्हें नहीं लगता जो लड़कियाँ घर पे लेट आती हैं ऑफिस से, कॉलेज से या ट्यूशन से, और जिनके घर पे बाप या भाई नहीं होते वो किसी काम से बाहर जाती हैं, उनको सेफ फील करवाना चाहिए ना कि हैरास करना चाहिए? तुम्हारी बहन को पता है तुम ये काम करते हो? नहीं। बताने की हिम्मत है? नहीं। बता दो, शायद वो इस 5-6 साल कोर्स की तुम्हें डिग्री दे दे। अरे कोई ऐसा काम करो ना जो तुम भी गर्व से बोल सको कि मैं ये काम करता हूँ, और तुम्हारी बहन भी बोल सके कि मेरा भाई ये काम करता है। है कोई जवाब तुम्हारे पास? आइए। थैंक यू सो मच मुझे इतनी रात को घर तक छोड़ने के लिए। आपका थैंक यू मुझे इतने अच्छे से समझाने के लिए, वरना मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, रोडों पे हांडता हूँ, घूमता हूँ। तो आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मैं अपने घर पे जाके अपनी बहन को भी बताऊंगा कि आज मैंने एक लड़की को उसके घर सेफली पहुंचाया है। तुमने रात को मेरे को घर तक पहुंचाया, तुम्हें खुशी मिली? खुशी भी मिली और बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलो फिर मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपने क्या सीखा? मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ एक ही था कि जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना, ये वीडियो उनके लिए है। तो ना किया करो यार दोस्तों ऐसे, जो ये हरकतें होती हैं ये बड़ी नीच हरकतें होती हैं। तुम्हारे घर में भी तो बहनें होती होंगी यार, उनकी भी तो इज्जत है, तो आगे से ध्यान रखना दोस्त, कभी मत करना ऐसा। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप ये कमेंट में भी बताओ कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।